लाइसेंस। चाय बेच रहा हूँ, जिसको भी चाय लेनी है कितनी है? 10 रुपए की चाय है और लोकल चाय। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्तिदान चैनल। आज है चाय का दिन और ये भाई बना रहा चाय। ये अमन भाई पी रहा है और गारो भाई वीडियो भी लगाया भाई सारे। और ये है हमारा हाउस कार्बी यूथ फेस्टिवल में बिग बॉस हाउस। ये चाय खाने के लिए आए हुए हैं हम सब। तो भाई ये दिन हमेशा याद रहेगा। मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। कोई मजा आ रहे हो भाई? कोई मजा आ रहे हैं। और अभी देखो 3-4 दिन और है, फिर सब अपने अपने रास्ते में अलग अलग निकल जाएंगे। और देखो सब बात करने में लगे। मैं बिस्कुट तोड़ रहा हूँ। ओके, सेफ जर्नी। और अभी अपन जाएंगे फेस्टिवल ग्राउंड में, घूमेंगे और एक एक चीज दिखाऊंगा आपको। टेंशन मत लो, चाय पी लेते हैं। भाई मेरी चाय कहाँ है? भाई मेरी चाय कहाँ है? मेरी चाय आज है 16 जनवरी। और आज देखो मैं खड़ा हूँ एक नागा हाउस में। ये है रेंगमा का है और कार्बी आंगलोंग का ये फेस्टिवल, कार्बी यूथ फेस्टिवल। और देखो पूरा मैं ऐसी फोटो वोटो खिंचा रहा था और काफी यूनिक है, काफी पुराने जमाने का सारा चीज है, भाला और ये ढाल। तो कैसा लग रहा आपको भाई? पीछे घुसना जाए किसी के। तो ऐसा सीन है कि आज पूरी तैयारी चल रही है और कल यहाँ पर आने वाली है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी जी आने वाले हैं। तो उसकी तैयारी चल रही थी। चलो देखते हैं। तो देखो हमारे साथ है रेगमा के जो कि कार्डोम, नमस्ते। और ये लोकल ड्रेस में है। तो ये यहाँ पर सारी चीज अपन ने घूम ही ली है, बाकी यहाँ पे शिकार की है। तो थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। तो गाइस अभी अपन है आदिवासी टाइप का, ये जो हाउस है देखो, आदिवासी घर, मतलब आदिवासी जो घर है उनका, यहाँ पे पूरा जो उनका जैसा जैसा उनका सदियों से चला आ रहा है, जैसा जैसा घर चला आ रहा है ना, वैसा यहाँ पे सारी उनके ट्रेडिशनल चीजें जो डेली यूज में रहती है पुराने जमाने से लेके अभी तक। देखो यहाँ पे ढोल है और ये क्या नगारा, नगारा संग ढोल बाजे, ऐसे गाना है ना, नगारा संग ढोल बाजे, नगारा संग ढोल बाजे, ढोल बाजे हाय, नगारा संग ढोल। तो देखो ये दोनों हमेशा साथ में काफी अच्छे लगते हैं, नगारा संग ढोल, बहुत पुराने टाइम से। ये क्या है पाटा? ये पाटा किस चीज में यूज होता है भैया? थोड़ा सा ये पाटा किस चीज में यूज होता है? खेती में यूज करते हैं। खेती में? ओ ये हल पुराने टाइप का जो हल होता है ना। तो वैसे देखो यार ये जो पाटा है खेती में यूज किया जाता है। और ये हल जो गाय के पीछे बांध के वो वाला हल है या फिर आदमी गाय वाला ना? पुराने जमाने का भाई ये हल बहुत टाइम बाद में देखने को मिला है आज मुझे। तो ऐसा कुछ आदिवासी घर है ना आसाम में। ओके। और यहाँ पे देखो पिंजरा तोते रखते थे, ये देखो अंदर तोता जी है। हेलो तोता जी, कैसे हो आप? देखो ये पुराना टाइप का तोता पिंजरा। और यहाँ पे जो घर है इसको काफी अच्छी तरीके से रंगोली करके काफी अच्छे तरीके से सजा के रखते हैं। और ये है ओ झांकी, देखो इसको भी ये कुछ खींचने के लिए कुछ होगा। और ये नीचे है ढेकी, ये किसके लिए होता है? ये भी काफी यूनिक है ना। यार ये देखो मतलब पुराने जमाने में यार क्या इंजीनियरिंग है, इसको कैसे तक किस तरीके से बना रखा है। मतलब ज्यादा मेहनत नहीं, सिर्फ खड़े खड़े वहां पे धान एक आदमी डालेगा और यहाँ से डायरेक्ट वो कर देगा ना। तो एक बार आप यहाँ से है ना कैमरा पकड़ लोगे इधर आके। तो देखो यार ये चीज निकल जाएगा ना। हाँ। अच्छा 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 हाँ। तो देखो यहाँ से करेंगे और ये जो चीज है ना इससे, इसमें कूटते कूटते अगर बाहर निकल गया तो उसको ऐसे वापस अंदर डालने के लिए ये चीज यूज की जाती है। तो ये काफी तगड़ी इंजीनियरिंग है यार। सुनना अभी मैं पीस रहा हूँ चक्की
है ना, इसमें चक्की है, इसको जो आदिवासी ट्राइब्स के अंदर इसको बोला जाता है जाटा, जाटा। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे एक छेद है थोड़ा सा पास में, तो यहाँ पर ये है, इसके अंदर धान डाला जाएगा, इसको ऐसे ऐसे अपन फोल्ड करके, हाँ चावल ना इसके अंदर, हाँ चावल गेहूं जो भी अपन को पीसना है, जो भी धान यूज में होता है उसको ऐसे डाल के ऐसे ऐसे पीसा जाता है। और ये देखो आदिवासी ट्राइब्स का अंदर चूल्हा बिल्कुल बढ़िया, और गोबर से पोठे से मतलब उससे उसको नीप के रखा है, मतलब उसका जो लेप है ऊपर का उसी से बना हुआ है, पूरा घर भी उसी से बना हुआ है गाय के गोबर से। तो गाय का गोबर काफ़ी यूनिक रहता है, गाय के गोबर से आपकी घर में बीमारी जो है वो उसका कम चांस रहता है आने के लिए। गाय के गोबर अगर आप घर में थोड़ा सा यूज़ करते हो तो उसकी स्मेल से वो काफ़ी हेल्प मिलती है, आयुर्वेदिक भी है। और यहाँ पर देखो, और द्रौपदी जी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कल यहाँ पे आने वाले यार, तो ऐसा सौभाग्य हमको मिलने वाला है कि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलेंगे। आपका इंतजार है कल। और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं पुरानी, देखो पुराने ज़माने की, यहाँ पे ढोल और ये पूजा के टाइम जो यूज़ किया जाता है डांस वांस पार्टी में, और देखो छपरा और ये। तो देखो जो ये मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे लिखा है बीरता मुंडा जी है, ये भाई फ्रीडम फाइटर है यहाँ के, और जब अपने यहाँ पे ब्रिटिश जो अपन पे 300-400 साल जो राज किया है भाई, तो उस समय इन्होंने काफ़ी अपना पूरा जीवन उसमें व्यतीत किया है, और तो सलूट है बीरता मुंडा जी को। और यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जी को तो आपको दिखाई दिया, कुछ ऐसा घर है काफ़ी अच्छा सा है, ये देख सकते हो आप, बढ़िया। तो देखो जो ये हल है ना भाई, इसके लिए मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, ये हल है, इससे पहले हल खेती की जाती है, उसके बाद में जो ये फाटा है इससे उसको प्लेन करने के लिए उसको इससे यूज किया जाता है। और एक चीज और दिखाता हूँ आपको, देखो ये जो बेल होता है ना बेल, उसकी घंटी, ये देखो किस टाइप से इन्होंने बना रखी है, गले में डाल देंगे जब इसको चराने जाते हैं। तो यार एक चीज़ बताता हूँ कि पुराने ज़माने में जो लोगों ने मेहनत की, जो दिमाग लगाए ना, तो पुराने इंजीनियर मेरे को बेटर लगते हैं आज से, आज के ज़माने के जो पढ़े लिखे इंजीनियर है उनसे पुराने ज़माने के काफ़ी सारा इंटेलिजेंट और काफ़ी ज़्यादा होशियार थे। क्योंकि देखो ना, अब ये चीज़ बनाने के लिए काफ़ी सारा दिमाग चाहिए, क्योंकि उस समय तो खाली सोच के खुद से बनाना पड़ेगा, और आज के जो नए ज़माने के हैं वो इन्हीं को देख के नया मॉडल निकाला, जो भी स्टील, जो भी टेक्नोलॉजी से, जो आज हल, जो ट्रैक्टर के पीछे जो भी है ना, वो पहले ये बने, इन्हीं को देख के इनका सेकंड मॉडल बनाया गया। तो पुराने वालों को सलाम है। तो देखो यार, ये यहाँ पे आदिवासी ड्रेस पहन के एकदम बैठे हैं, और वाइट कलर में, और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और जो मैंने घर दिखाया, घर को भी काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया कर रखा है। आपके वहाँ पे जैसे लोकल जो आपके गांव में घर होता है उनको ऐसे डिज़ाइन करते हो आप, है ना, काफ़ी सुंदर लगता है। किस चीज़ से, लोकल कलर, रंगोली, पेंट, कलर है ना, ओके अच्छा लगता है। आपका क्या बोलते हैं ड्रेस को आपकी लैंग्वेज, जैसे हमारे लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा साड़ी जैसा कुछ ऐसा है आपके, मेखला चादर, ओह अच्छा, आप खुद ही बनाते हो, ओके ओके। जौहर, जौहर, जौहर क्या बोलते हैं, नमस्ते, हो जौहर, ओ जौहर। और देखो यार ये यहाँ पे बच्चा सुलाया जाता था बचपन में, मैं भी बहुत सोया हूँ इसमें बचपन में। लेकिन यार हमारे ये ऐसा सिस्टम नहीं होता था, हमारा तो सीधा खाट के बांध देते थे, खाट खटिया को सीधा खड़ा करके उसके कोहने पे बांध देते थे, तो उसमें नींद आ जाती थी आपके भाई को। आपको तैयारी दिखा देता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जहाँ पे आने वाले हैं, तो वहाँ की मैं तैयारी दिखा देता हूँ भाई, तगड़ी 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 मैनेजमेंट। और सिक्योरिटी देखो ना आप, सिक्योरिटी जो देखो, क्या भाई पूरा मैनेजमेंट है, एकदम सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट। और कल ये स्टेज, कल ये ग्राउंड लचालच भरने वाला है। देखो उस तरफ आर्मी, जो पुलिस है, आर्मी और पुलिस, उन सबको गाइड किया जा रहा है कल कैसे कैसे मैनेजमेंट करना है। तो भाई नेक्स्ट लेवल, आज जिधर देखेंगे, जिधर देखेंगे, जिधर देखेंगे, ओनली ओनली पुलिस और हमारे आर्मी जवान, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पूरी सिक्योरिटी के लिए तैयार है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेलकम कार्वी आंगलोंग में, सभी के सभी आज कमेंट में उनका वेलकम लिख दो। कल मिलते हैं, यहाँ से देखेंगे यार, ये दूर से देखना भी एक किस्मत वाली है भाई, आज तक मैंने देखा नहीं, तो यहाँ आज आके देखने को मिल रहा है, तो काफी यूनिक चीज है यार। देखो ना, काफी स्टेज और काफी सुंदर यूनिक।
अभी आ चुके हैं अपन जो यहाँ पे कार्बी ट्राइब्स का जो ग्रुप है उनकी जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं ना उस जगह पे आ चुके। देखो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनका है ना परफॉर्मेंस है कुछ देर बाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो प्रैक्टिस डांस की प्रैक्टिस चल रही है। आवाज बैठ गया पूरा ना गला भाई मेहनत काफी करते हैं भाई का गला भी पूरा बैठ चुका है। देखो ना दिन रात प्रैक्टिस 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 अलग है काफी यूनिक काफी मेहनत करनी पड़ती है। और आज रात इनका परफॉर्मेंस है वहाँ पे स्टेज पे वो भी दिखाऊंगा मैं देख सकते हो ना। हेलो हेलो आज आपका परफॉर्मेंस है आज है आपका परफॉर्मेंस ओके ऑल द बेस्ट यहाँ पे देखो कुछ पड़ा है लोकल अच्छी प्रैक्टिस अच्छा जो उस तरफ जो गर्ल्स है वो धीरे 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 यहाँ पे सर्किल बनाई जा रही है जैसे अभी यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ का है कपल कपल क्या मतलब ग्रुप और यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पे आप साइड तक देखो उधर से दो गर्ल्स आ रही है और वो आके यहाँ पे ज्वाइन कर लेगी ऐसा मुझे देख के लग रहा है। अब देखो जो जो गर्ल्स आ रही दोनों वो यहाँ पे ज्वाइन करेगी यहाँ पे ज्वाइन करेगी देखो ओह नाइस 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 ऐसे करके वहां तक यहाँ पे हर बॉयज के बीच में एक गर्ल्स आके खड़ी हो जाएगी और वो दो जो सिस्टर है वो सिस्टर वहां से जो गर्ल्स की लाइन बनी हुई वो यहाँ पे ऐसे घूम के अंदर आ रही है। काफी अच्छी प्रैक्टिस है प्रैक्टिस करो शाम को देखते हैं इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है शाम को दिखाऊंगा आपको वेट करना ठीक है। सुने बंद होने वाले ये दोनों सिस्टर वहां से एक एक गर्ल्स को लेके आ रही है और यहाँ पे ज्वाइन करके यहाँ पे सर्किल पूरा हो जाएगा और ये कुछ इनका ट्रेडिशनल कुछ प्रेजेंट कर रही है जो थीम बनाया है तो ये डांस करके ये थीम करके अपना कुछ थीम है इनका जो प्रेजेंट कर रहे हैं डांस के थ्रू तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है लेकिन जो यहाँ की लोकल लोग हैं उनको समझ में आता है कि कैसे है मैं भी समझने की ट्राई करूंगा। और ये भाई भी देखो याद कर रहे हैं बढ़िया द बेस्ट। अभी जस्ट अपन आए हैं दिमाशा का यहाँ पे किचन और देखो मैं यहाँ पे चाय बेच रहा हूँ जिसको भी चाय लेनी है कितने की 10 रुपीज़ की चाय है और लोकल चाय आसाम की चाय तो वैसे भी फेमस है। और यहाँ पे एक चीज़ है देखो देखना आप ये पास लाना भाई देखो क्या बोलते इसको थोड़ा दूर से पीठा पीठा तो ये किससे बनता है
Nice, nice. तो जो गारो ट्राइब्स है उनका अभी मैम कॉस्ट्यूम का नाम बताएगी, यहाँ पे डांस हो रहा है थोड़ा बहुत फिर हाँ हमारे जो गारो लैंग्वेज से डोंगमे हेड ईयर जो ये है इसको बोलते हैं डोंगमे डोमे ओ सॉरी डोमे हाँ जो माथे में बांटे हैं ना हाँ हाँ एंड इसको जो इंग्लिश में हम बोलते हैं इयररिंग्स नाथाम्पसी बोलते हैं नाथाम्पसी ओके ओके और इसको रुक्तम बोलते हैं रुक्तमे ओ और इसको सेंकी सेंकी एंड इसको दकमंदा बोलते हैं दकमंदा दकमंदा ओके हाँ एक भाई तो वसेला थैंक यू हाँ वसेला ओके हाँ सेम टू यू ओके नाइस Don't get up.